पाकिस्तान इस समय कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, उसकी हालत उसके ही नेता बयां कर रहे हैं। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है और आतंकवाद हमारा मुकद्दर बन गया है। आतंकवाद की शुरुआत पाकिस्तान के नेताओं ने की थी, हम आतंकवाद को खुद लेकर आए थे। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान पहले ही गलती कर चुका है और हम एक दिवालिया देश में रह रहे हैं। सियालकोट में एक समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कई मुद्दे उठाए और कहा कि नौकरशाह और राजनेताओं ने बड़ी गलतियां की है। पाकिस्तान के संविधान को बार बार नजरअंदाज किया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की समस्याओं का समाधान आंतरिक रूप से पाया जा सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इस संबंध में मदद नहीं कर सकता। मंत्री ने देश की मौजूदा स्थिति के लिए व्यवस्था, नौकरशाही और राजनेताओं को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पाकिस्तान के संविधान को बार बार नजरअंदाज किया गया है। PMLN नेता ने कहा कि 1.5 साल पहले आतंकवादियों को देश में बसने दिया गया और खतरनाक खेल खेले गए, आलोचकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि उन्होंने कराची पुलिस कार्यालय पर आतंकवादी हमले को विफल करने के लिए सुरक्षा बलों की सराहना की और कहा कि सुरक्षा कर्मियों ने पूरी रात आतंकवादियों का बहादुरी से मुकाबला किया। मंत्री आसिफ ने कहा कि आतंकवाद किसी भी धर्म या संप्रदाय के बीच अंतर नहीं करता। धर्म के नाम पर आतंकवाद का इस्तेमाल कीमती जान लेने के लिए किया जाता है। मंत्री ने कहा कि पूरे देश को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है और तभी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। हम भी अब भी इसके प्रति सतर्क नहीं रहे हैं, इसका बुरा असर लगातार सामने आ रहा है। पाकिस्तान में महंगाई से नागरिकों का बुरा हाल है। एक तरफ सरकार का खजाना खाली है तो दूसरी तरफ रोजमर्रा की वस्तुओं की कमी से जनता बेहाल। इमरान खान को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद से देश में राजनीतिक अस्थिरता ने संकट बढ़ा दिया है। खस्ताहाल पाकिस्तान को उबारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मदद को आगे आया है, लेकिन वो देश के वित्त मंत्रालय व राजस्व महकमे के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।